इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला के मेन बाजार में, और हनुमान जयंती के उपलक्ष में जो है शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं जो हनुमान जी हैं वो पूरे बाजार में इसी तरह जो है चले गए, क्योंकि एक विशाल रूप जो है वो दिखाया गया है बजरंगबली का। सभी क्षेत्रवासियों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। मैं मनोज बंसल, महासचिव मेन बाजार मर्चेंट्स एसोसिएशन नरेला। आज मेन बाजार मर्चेंट्स एसोसिएशन द्वारा श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह शोभा यात्रा हम सब व्यापारी भाइयों द्वारा ही स्वयं इसमें सम्मिलित हैं, और हमारा जो मार्केट क्षेत्र है उसी में शोभा यात्रा रहने वाली है, और हम श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े उल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। विकास बंसल, विकास जी, आज जो शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर स्थापित की जाएगी? आज नरेला मेन बाजार मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह यात्रा नारायण मंदिर से लेकर नीम का पेड़ और अंदर मेन बाजार स्थित नारायण मंदिर से होती हुई खत्री मेडिकल वाली गली और झंडा चौक पर जाकर समाप्त होगी। जी, आज जो आयोजन किया गया है हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में, क्या कहेंगे? ये आयोजन ये लोगों का प्यार है, हनुमान जी के प्रति प्यार है, देश के प्रति प्यार है। और मैं खिलाड़ी होने के नाते कह रहा, जितने भी युवा स्पोर्ट्स हैं जरूर भगवान की पूजा करें, और अपने आसपास जो भी बच्चे उनको भी पूजा में लगाएं, खेल में लगाएं। आज हनुमान जयंती है, दादा मेवाला मंदिर में भंडारा था, राम कुटी मंदिर से ध्वजा उठी, दादा मेवाला मंदिर में गई, झंडा चौक से ध्वजा उठी, हनुमान मंदिर गुंडा रोड पे गई, अब यहाँ झंडा बाजार से ध्वजा उठी है, हनुमान जी आपने देखा है। तो एक ये हिंदुस्तान के हर नागरिक के अंदर है, भगवान भी बसा हुआ है और इंसानियत भी बसी हुई है। सभी को बधाई देता हूँ हनुमान जयंती के लिए, और आशा करता हूँ अगले साल और इससे अच्छा हो, और भगवान जी के चरणों में रह कि वो संकट मोचन है। जब भी किसी पे संकट आता है तो उसके मोचन भरते हैं। इसका उदाहरण ये दिनेश भाई खड़ा है। जब मेरे पे संकट आया तो हनुमान जी मेरे साथ थे और मुझे विजय प्राप्त मिली, और मैं वार्ड नंबर 2 से निगम पर सकता। और आज जो है हनुमान जी का जन्म उत्सव है उसी को लेकर जो मार्केट एसोसिएशन है उसकी तरफ से जो है इसका आयोजन किया गया है, और इस आयोजन के दौरान तमाम जो मार्केट के लोग हैं वो साथ हैं, और ये जो शोभा यात्रा है ये पूरे मेन बाजार में घुमाई जाएगी, जिसके बाद वापस झंडा चौक पर लाकर स्थापित कर दी जाएगी। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।